हे गाइस वेलकम टू क्या चाल है आपके दोस्तों अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं मेरा नाम रक्षा हिरानी और आज हम बात करने वाले हैं फेबर के महीने में कौन कौन सी नई गाड़ियां मार्केट में आने वाली है क्या क्या फीचर्स के साथ आ सकती है क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकती है तो बहुत सारा एक्साइटिंग कॉन्टेंट आपके लिए आने वाला है सो स्टे बिफोर आई मूव आउटेड इन टू मोर डिटेल्स तो शुरू करते हैं सबसे पहले विद द द डिस्कशन ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स दैट आर कमिंग इन अमिंग इनका मार्केट अब पहले बात करेंगे की जिसकी हमने रिसेंटली रिव्यू डाला है अगर आपने नहीं देखा है आई बटन में लिंक छोड़ पूरा असली टेस्ट किया है हमने हर चीज आपके लिए टेस्ट कर दी है जो आप नहीं कर पाओगे डिक्की में कितना सामान जाता है हर चीज आपके लिए टेस्ट कर दिया है ताकि आपको जाके वो डीलरशिप पे नहीं देखना यार कितना सामान बैठेगा नहीं बैठ पाएगा हमने सब आपके लिए कर दिया है तो वो एक वीडियो सब बता ये किस लेनी चाहिए या नहीं मोस्टली आपके सारे डाउट्स मैं वहां क्लैरिफाई कर दूंगा प्राइस आई नहीं है जो फेब्रवरी में आ जाएगी और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं प्राइस बट मैं एग्जैक्ट प्राइस बताना मेरे लिए मुश्किल रहेगा तो इस गाड़ी की प्राइसिंग अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे टॉप एंड मॉडल कुछ बीस बाइस तक जा सकता है और जो बेस मॉडल्स हैं उसके कम से कम तो से से 12 लाख बाकी के वो सब लिस्ट में आपके लिए बोलूंगा एक बार वीडियो जाके देख लो सेवन सीटर गाड़ी है कंफर्टेबल गाड़ी है स्पेस अच्छी खासी है सिक्स सीटर सेवन सीटर दोनों में तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी अच्छी है सेफ्टी ठीक ठाक है बट देखें विथ टाइम कैन से वॉट हाउ द कार प्राइसिंग बता पाएगी क्या आएगी पर इस गाड़ी का लॉन्च जो है पहले 10-12 दिन में ही हो जाना चाहिए और तो एक्साइटिंग अहेड नेक्स्ट गाड़ी जो आने वाली है इज एम की तरफ से और ये है एम जी जेड एस ईवी जेड एस ईवी ऑलरेडी मार्केट में आती है तो नया क्या आ रहा है करेक्ट तो इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स बैटरी रेंज जी हाँ ये सब चीजें मेजरली चेंज होने वाली हो है और थोड़े फीचर्स इसको जेड एस ईवी जो है एस्टर से बोरो करेगी तो अगर आप जेड एस ईवी देखते हो जो यूके में आई है उसमें बहुत कुछ चेंज किया है। ग्रिल अलग चेंज कर दिया है यू नो और बहुत सारी चीजें चेंज की है बट इंडिया में जो आएगी वो एस्टर से थोड़े फीचर्स ले लेगी मेरे हिसाब से टच स्क्रीन एस्टर का ले लेगी कुछ और एस्टर के जो यूनिक फीचर्स है जैसे ए आई सिस्टम वो सब ले लेगी जो अभी फिलहाल सिर्फ एस्टर दे रही है तो इसमें भी आपको वो सब आ जाना चाहिए बट द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो इस गाड़ी में है वो दो चीज़ है पहला इसका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा तो फिलहाल जो एंड आती है वो फोर्टी फोर किलो वॉट बैटरी के साथ लगभग आती है और जो बाहर दिख न्यू गाड़ी आई है वो फिफ्टी वन किलो वाटर से आ रही है यानी कि उसका रेंज लगभग साढ़े चार सौ से पौने पांच सौ के बीच में चला जाएगा एज पर द क्लेम्ड रेंज यानी कि रियल लाइफ में आपको तीन सौ तीन सौ बीस मिलना मुश्किल नहीं होगा ऑन द जेड एसवी आपको आसानी से तीन सौ तीन सो बीस मिल जाना चाहिए एज अ रेंज लेकिन उसके साथ साथ जब बैटरी बढ़ जाती है तब कॉस्ट भी बढ़ता है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का मेन कॉस्ट क्या रहता है उसका बैटरी पैक

तीसरी गाड़ी जो आने वाली है जो एंड ऑफ में एक्सपेक्टेड है और यह धमाका करने के लिए आ बलेनो हाँ, में, और अब बारी है उनकी की। में मैं आपको चीजें बताता हूं जो उसका बॉडी है बॉडी वही डिजाइन आगे से चेंज किया पीछे से चेंज किया और फीचर्स भर दिए गाड़ी के अंदर तो अगर आपको चेयर बैग चाहिए अगर आपको बड़ा टच स्क्रीन चाहिए अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए अगर आपको एयर प्योरीफायर चाहिए और अगर आपको मारुति चाहिए और अगर आपको प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो भले आपके लिए चॉइस बन जाती है रूमर्स कह रहे हैं कि जो सीवीटी आता है उसमें उसको हटा के शायद ए लेके आ जाए ताकि इसका कॉस्ट घट जाए पहली चीज दूसरी एक और एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जो बलेनो है उसको सी में भी आगे चल के ऑफर किया जाएगा सो so, ओवरऑल अगर आप बलेनो देखते हैं जो लोअर जो करंट ट्रिम मॉडल्स है तो अगर उसकी प्राइस समझो टॉप मॉडल साढ़े सॉरी साढ़े पौने दस तक जाती है ऑन रोड तो इन दैट केस जो वेरिएंट है उतने ही फीचर्स आपको वो वेरिएंट के वो प्राइस में मिलेंगे सिर्फ जो हायर ट्रिम रहेगा ना उसमें आपको जाएंगे। तो जो है, उनमें में बदलाव नहीं किया जाएगा वो ऑलमोस्ट वैसे ही गाड़ी में आपको पेट्रोल एंड सी दोनों आने वाला है सीएनजी शायद थोड़ा डीले हो बट सीएनजी आने वाला है अगली गाड़ी जो आने वाली है वो शायद मार्च में पुश हो जाए मोस्टली मार्च फर्स्ट हाफ में आ जानी चाहिए विच इज द स्लाविया अब ये गाड़ी पे मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ अराउंड किया है हमने आ, हमने उससे पहले भी एक बार गाड़ी चलाई थी तो उसका एक क्विक ड्राइव एक्सपीरियंस किया था ऑफ कोर्स मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाया गाड़ी को उस टाइम पे बट हमने बाद में इंटीरियर तो पूरा दिखा दिया था आपको तो ये एक सेडान आने वाली है जो होंडा सिटी से कम्पीट करेगी वना से कंपीट करेगी और स्कॉडा का एक स्ट्रॉग सेडान प्रोडक्ट फॉर द इंडियन का मार्केट आने वाला है बहुत जल्द तो आ, स्पेस फीचर्स टेक्नोलॉजी ये सब के लिए तो मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं आपके लिए फिर भी मैं आपके लिए लिंक छोड़ने वाला हूँ आई बटन में ताकि आप वो वॉक अराउंड सीधे जाके देख ले तो आपको टेंशन नहीं रहेगा स्ट्रेस नहीं लेगा एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको वो लेनी चाहिए नहीं देखिए मैं आपको एक चीज कह सकता हूं स्लाविया जो है ना जो आ रही है एज वो Škoda या जो कार ड्राइविंग है ना उनके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट होने वाला है उनको चलाने में से बहुत मजा आएगा स्पेसिफिकली जो वन पॉइंट टर्बो पेट्रोल इंजन है वो बहुत मजा आने वाला है लोगों को चलाने को एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था हैज बीन स्पेसिफिकली

तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोटरॉक्टेन डॉट कॉम सर्च आर एफ इन कंसल्टेंसी वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड कॉल टाइम बुक करना पड़ेगा इट्स एज सिंपल एज दट और आपको ऐसे वीडियोस देखते रहना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर यूट्यूब चैनल क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे बहुत सारे यानी कि बहुत सारे वीडियोज लाने वाले इन द कमिंग फ्यू डेज सो दैट्स ऑल वी राइट नाउ मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल वीडियो गाइज टेक केयर सी टूमोरो